चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं डॉक्टर अनिरुद्ध के पास जो औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते नमस्ते। मेरे पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग है आईआरबी इंफ्रा की 162 के रेट में, बाद में कॉर्पोरेट ऑक्शन में शायद उसका रेट एडजस्ट हुआ है। अभी शायद 16.2 का होल्डिंग है, हमेशा ये 334 को जाता है और वहीं से जाता है, तो ये बार 300 के ऊपर निकल जाए या होल्ड करे। ओके, तो दरअसल ये जो आपका बाइंग प्राइस 162, ये एडजस्टेड होगा क्योंकि उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था। अभी आजकल 29 रुपए का ट्रेड हो रहा है ये। करेक्ट, हाँ जी। सर, तो सरवेन जी बताइए करंट प्राइस लीजिए, 29.95 पे चल रहा है आईआरबी इंफ्रा, क्या इस पे डॉक्टर साहब को बने रहना चाहिए? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पकड़ के तो फिलहाल चल रहा है, तो आज के डेट में मुझे पूछते हैं तो मैं बोलूंगा बने रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 महीनों से 4 महीनों से डेफिनेटली उन लेवल्स को होल्ड कर रहा है। लेवल्स थोड़ा नीचे की तरफ हैं, बट आई थिंक वही लेवल्स हैं जो मैं इनको दे पाऊंगा। 26 रुपए के आसपास इसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं, और आई थिंक जब तक 26 रुपए के ऊपर टिका हुआ है आई थिंक ट्रैक्शन ऊपर का ही रहेगा और रुझान ऊपर का रहेगा, तो मेरा भी राय इनको यही रहेगा कि होल्ड करके रखें अभी यहाँ से। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क चलाते हैं, हाईवेज, टोल रोड्स जी, और उससे इनको गेन है, तो होल्ड करने की राय है आईआरबी इंफ्रा में। और डॉक्टर साहब को एक्चुअली इसमें भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि एडजस्टेड प्राइस में इनकी कीमत नीचे आ जाती है। चलिए अगला सवाल है राकेश जी का, जयपुर से, पिंक सिटी से जुड़ रहे हैं। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, मेरे पास JSW जिंदल शाह के 100 शेयर हैं, 135 रुपए के हैं और पेट्रोनेट 235 रुपए का है। ओके, 1 साल हो गया सर मेरे को इसको, तो चिंता क्या है ये बताइए। मैं सर, 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ इसको। ओके ओके ओके, सरवन जी बताइए 3 महीने के लिए। धीरज जी देखिए यहाँ थोड़ी सी आवाज ड्रॉप हुई, बट मुझे स्टॉक सुनाई में पड़े जिंदल सौ और पेट्रोनेट, राइट? पेट्रोनेट। तो यहाँ पे मेरा जिंदल सौ में जो इनको राय है, मेरे हिसाब से अगर यहाँ ये देखें तो आई थिंक थोड़ा वॉप आउट है स्टॉक यहाँ पे, और टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें, आई थिंक मुनाफे में होंगे, स्टॉक अच्छा चल रहा है तो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके रखें, और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो आएगा, स्टॉप लॉस इनका वो ट्रेलिंग वो 155 के नीचे आएगा, तो 154.40 के स्टॉप लॉस से बने रहे। थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस को वाइड रखना पड़ेगा। और जहां तक रही पेट्रोनेट एलएनजी की बात, आई थिंक यहां पे भी मेरी मोटा मोटी राय इनको होल्ड करने की है, और मेरा थॉट ये है कि यहां पे भी उनको स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके रखना चाहिए, और फिलहाल मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पे आ रहे हैं वो 218-220 के आसपास आ रहे हैं, तो उन लेवल्स पे भी नजर रखें, स्टॉप लॉसेस वहां पे रखें, और दोनों ट्रेड्स में मेरे हिसाब से होल्ड की राय रहेगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।